मछुआरा और जिन। अब्दुल एक गरीब मछुआरा था। वह दिन भर नदी के किनारे अपना जाल बिछाकर बैठा रहा, मगर एक भी मछली नहीं फंसी। उसने उदास होकर कहा, अब देर हो रही है। यदि मैं शीघ्र ही कोई मछली नहीं पकड़ूंगा तो आज रात मुझे खाने में कुछ नहीं रहेगा। तभी उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी उसे लगा कि उसके जाल में कुछ फंस रहा है। वह बड़े प्रयास के साथ उसे खींचते हुए बोला, यह सचमुच एक बड़ी मछली होगी। बड़े जोर से खींच कर उसने जाल बाहर निकाला। मछली के बदले में एक पुरानी विचित्र पीतल की सुराही देख वह बड़ा चकित हुआ। उसने बेचैन होकर जल्दी से सुराही का ढक्कन खोल दिया। तुरंत उसमें से सफेद धुआं निकला। धुएं के फैल जाने पर एक बड़े खूंखार दिखने वाले जिन को उसने सामने खड़ा देखा। वह जिन नामक दुष्ट प्रेत था। जिन ने उससे कहा, मैंने कसम खाई है कि इस सुराही से मुक्त होते ही मैं जिस आदमी को पहले देखता हूँ उसे मार डालूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। बेचारा अब्दुल थर थर कांपता हुआ खड़ा रहा। वह रोता हुआ बोला, कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम्हारी मदद की, तुम मुझे मार नहीं सकते। मगर जिन ने नहीं माना। अब्दुल जानता था कि अब जिन को धोखे से ही हराया जा सकता है। अतः उसने कहा, ठीक है, यदि मुझे मारना ही है तो मार डालो, परंतु मारने से पहले मुझे यह बताओ कि इतने बड़े जिन होकर उतनी छोटी सुराही में तुम कैसे समा गए? जिन हंसता हुआ गर्व से बोला, हे मूर्ख, मैं एक बलवान जिन हूँ। चाहूँ तो मैं पहाड़ों से ऊंचा या चूहे से भी छोटा बन सकता हूँ। अब्दुल कहा, विश्वास नहीं होता, उस सुराही में जाकर साबित करो। जिन तुरंत छोटा रूप धारण कर सुराही में धुएं के साथ गायब हो गया। उसे मालूम होने से पहले ही अब्दुल ने झट से सुराही का ढक्कन कस कर बंद कर दिया। उसने जिन को सुराही में फिर से बंद कर दिया। जल्दी से उसने सुराही उठाई और नदी में दूर फेंक दी। वह फिर कभी उसे देखना नहीं चाहता था। इस तरह चतुर मछुआरे ने दुष्ट जिन को चकमा दिया।